नमस्कार दोस्तों, एलजेब्रा का सवाल है। देख लीजिए, इसको पूछा गया है कि अगला सवाल हल करने के लिए पूछा गया है। ये भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। बहुत ही आसानी से होगा, ये भाग वाला सवाल है। इस भाग करेंगे इस समीकरण को, और एलजेब्रा भाग एक है। देख लीजिए, इजी तरीका है। हल हल कर देते हैं यहां से। एक्स वर्ग माइनस 11x धन 30 को एक्स माइनस 5 से भाग कीजिए। इस तरह भाग जैसे लिखते हैं वैसा लिख लीजिए, एक्स माइनस 5। अब एक्स वर्ग है, ऐसा एक्स माइनस 5 का पहाड़ा पढ़िए कि एक्स वर्ग जो है जीरो हो जाए, घट के जीरो हो जाए। तो हम जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 पढ़ते हैं, इसी तरह एक्स माइनस 5 को एक्स बार पढ़िए, तो एक्स से गुणा कीजिए। एक्स माइनस 5 × x, तो एक्स वर्ग हो जाएगा, ये इसमें गुणा होगा तो, और ये माइनस 5x होगा, माइनस 5x होगा। एक्स बार हम पढ़े, एक्स को यहाँ लिखिए आंसर में, उत्तर में, तो एक्स वर्ग ऋण 5x। अब यहाँ पर हम चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, ऋण है तो धन होगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि जीरो हो गया घटाएंगे तो, और यहाँ बच गया माइनस 6x बचा। यहाँ पर माइनस 11 बचा है, माइनस 11 में से बचा है तो 6x बचा है, और धन 30, इसको उतार लीजिए धन 30। अब x माइनस 5 का इतना बार पहाड़ा पढ़िए कि 6x हो जाए। यहाँ तो सीधे 5 × 6 = 30 होता है, और x का पढ़ेंगे 6 बार, उसी अंक से पढ़ना है। तो देख लीजिए, x माइनस 5 × −6 से −6 बार पहाड़ा करें पढ़ेंगे, या फिर −6 से इसको गुणा कर दीजिए, वही है। तो −6x धन 6 × 5 = 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6 बार हम पढ़े, ये देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा −6x धन 30/0 होगा। दोस्तों यहाँ चिन्ह बदल बदल जाएगा, ये माइनस है प्लस होगा, और यहाँ माइनस, तो 0 बचा। ये बहुत ही इजी बनता है, अतः से शेष फल 0 है। शेष फल 0 है, शेष फल 0 है, अतः एक्स माइनस 5 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी है। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसानी से हल होगा अगला सवाल। एक्स वर्ग प्लस 20x + 91 को एक्स धन 7 से भाग कीजिए। तो हल हल एक्स वर्ग धन 20x धन 91, इसको हमें भाग करना है एक्स धन 7 से, तो एक्स वर्ग आ रहा है। इसको भी उसी तरह कर लीजिए, एक्स धन 7 × x बार पढ़िए एक्स से, तो एक्स वर्ग हो जाएगा प्लस 7x होगा। इस तरह से बहुत ही इजी है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, फ्री शिक्षा है। एक्स वर्ग धन 7x, तो एक्स वर्ग धन 7x।
एक्स बार हमने पढ़ा या एक्स से गुणा किया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ भी इसी तरह, तब ये जीरो हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 13x बचा, धन 91 है, सॉरी यहाँ 91 है, मैं 95 लिख दिया था, 91 है। अब 13x धन 91, एक्स धन 7 के इतना बार पहाड़ा पढ़िए, इतना से गुणा कीजिए कि 13x धन 91 हो जाए। एक्स धन 7 गुणित ये 13 से ही कर दीजिए, गुणित 13, तो 13x धन 13 सते 91, तो 13x धन 91 हमने 13 बार पढ़ा, ये आंसर है। अब इसका यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, अब ये जीरो हो जाएगा दोनों। इस तरह से बहुत ही इजी हल होता है, और इसमें शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, अतः लिख दीजिए, अतः x धन 7 एक गुणनखंड है इसका। इस तरह से बहुत ही इजी। और अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है ये, ए वर्ग प्लस 2ab + b² को ए धन बी से भाग कीजिए। तो हल ए वर्ग प्लस 2ab + 2ab धन बी वर्ग, ये भाग का चिन्ह कर दीजिए। अब भाग करना है ए प्लस बी से। इजी तरीका से इसको भी ए से गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी गुणित ए, तो हो जाएगा ए वर्ग धन ए बी। तो हमने ए बार पढ़ा पहाड़ा या ए से गुणा किया तो ए वर्ग हुआ धन ए बी, यहाँ चिन्ह कर दीजिए, चेंज कर दीजिए चिन्ह को, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, अब ये जीरो हो गया। अब यहाँ 2ab है, दो दो ए और बी है, तो एक तो घट जाएगा, इसलिए ए बी मात्र बचेगा। जानने के लिए इसको काट दे रहा हूँ मैं, ये दो कट जाएगा और ये वाला ए बी बचा, ए बी धन बी वर्ग। अब ए प्लस बी वर्ग है, इसको ऐसा ए धन बी है, तो इसको बी बार पढ़िए, बी से गुणा कर लीजिए, तो ए बी हुआ प्लस बी वर्ग, यही बनाना था, धन बी से, तो ए बी धन बी वर्ग। अब ये माइनस हो गया, भी माइनस, अब जीरो, अतः शेषफल शून्य है, लिख दीजिए, इसलिए ए प्लस बी एक गुणनखंड है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।